जब वो अकेली जा रही थी तो रोका क्यों नहीं तुमने? जाने क्यों दिया? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं रोकती और वो रुक जाती। अब छोड़ भी दूं तो ये माशरा तुम्हें कबूल कर लेगा? तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हें धिक्कारेंगे। अगर सुनहरा जिंदा वापस आ भी गई ना, अपने हाथों से जहर दे दूंगा मैं। मीरजान, मेरे अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। फर्ज करो ये वाला ऑप्शन भी ना रहे तो? जानती हो ना ऐसी लड़कियों को शेल्टर होम भेजा जाता है। चाहते क्या है मुझसे? बताया तो था तुमसे निकाह करना चाहता हूँ मेरी जान, पर तुम देखो ना टाइम भी क्या हो गया, कोर्ट भी बंद हो गया होगा, लेकिन मौलवी साहब का घर वहां जा सकते हैं अगर तुम कहो तो। तुम बोलो तो कल बोल देना चाहिए था। आज हम इस मुकद्दस रिश्ते में बंधे होते जरूर। चल ये, अरे रोना तो बंद करो। देखो मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सर से पांव तक सोने में तोल दूंगा। मैं बहुत खुश रखूंगा, जो कहोगी लेकर दूंगा, दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हारी कसम। अभी चलते हैं, तुम बस मुंह धो लो, तुम अपना काम करते हैं, तुम मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, फिर पूरी इज्जत के साथ तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा अपना एज हस्बैंड। मौलवी साहब को मैं अभी फोन कर देता हूँ, बताया था ना मेरे घर से बस आधा घंटे दूर ही रहते हैं। तो बड़े अच्छे। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, मैं लाइक माफी चाहता हूँ इतनी रात गया आपको, बहुत जरूरी काम है। जी बहुत जरूरी, मैं अभी आ जाता हूँ, घर आने का कह रहा था। बहुत शुक्रिया, मैं पहुंच रहा हूँ। उठो ना तुम, अरे उठो मेरी जान, नंगे पाँव भी चप्पल पहनो ना, क्या हो गया तुम्हें, चप्पल पहनो। मुझे सुबह ही बता देती, आपको डॉक्टर के पास ले जाता। मैं लई का वेट करती रही, उन्हें कॉल की थी, मुझे लगा अब आएंगे लेकिन उन्हें वक्त ही नहीं मिला। बिजनेस मीटिंग का कहाँ पता चलता है, वैसे भी उनका बिजनेस आजकल क्राइसिस में, कोशिश करें कि उन्हें परेशान मत किया करें। माना बिजनेस में क्राइसिस होते हैं, लेकिन बीवी का ख्याल भी रखना चाहिए इंसान को। बोला उनको तबीयत खराब है मेरी, आगे चीज सीखने लग गए, अस्पताल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, घर पे क्यों बैठी हो, मेरा क्यों इंतजार कर रही हो, ऐसे कौन बात करता है बीवी से। ठीक ही तो कह रहे थे, उन्होंने भी आपको डॉक्टर के पास ही लेके जाना था, कि लहिक भाई को लेके कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। तो जरा गाड़ी तेज चलाओ, घबराहट हो रही है मुझे। शकल तो ठीक कर लो, इस तरह तो मौलवी साहब समझेंगे कि मैं तुमसे जबरदस्ती कर रहा हूं। ठीक है माना कि मैं तुमसे जबरदस्ती कर रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। नाराज हो? चलो कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा, अब तो बाकी की सारी जिंदगी रूठने मनाने में गुजर ही जाएगी। Thank you.
जमीन तबीयत खराब हो रही है, गाड़ी कहीं रोको जल्दी से, हवा चाहिए, उल्टी आ रही है। देखो मैं रोकता हूँ गाड़ी। फील लाइक वोमिटिंग राइट नाउ। रोक दो यहाँ पे, रोक दो। ठीक तो है ना? रोको। आ जाए, आप थोड़ी वॉक कर लें, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक सुनारा के साथ है? नहीं नहीं नहीं, क्या हो? बात है यार, 9 बजने वाले मौलवी साहब कहीं सो ना जाए। साहब, माशाल्लाह से आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, ये ले लो। आप अपने बच्चों के लिए ले लो, खुश हो जाएंगे बच्चे आपके। ले लो साहब। लो लो लो, मैं ले लेता हूँ। कितने गए भाई? 400 गए। ये लो, बाद में आ ही जाएंगे बेटा, बच्चों का क्या। ये लो। साहब खुला नहीं है। तो कोई बात नहीं, रखो, तुम भी क्या याद करोगे। छोड़ दे भाई, चले 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 चले, गाड़ी में चलो, चलो यार आप भी चलो, तो भेजो यार गाड़ी में, गाड़ी गाड़ी में बैठाओ। जरूरी है, मेरा मतलब है अगर थोड़ा वेट कर लिया जाए। आई एम सॉरी, मगर अबॉर्शन के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। दरअसल जिस तरह से पेशेंट का बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इससे तो इनकी अपनी जिंदगी को खतरा हो सकता है, और इस तरह का बेबी अगर बच भी जाए तो वो नॉर्मल नहीं होता। लिहाजा बाद की परेशानी से बेहतर है कि हम अभी कोई डिसीजन ले लें।
आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। आप काइंडली मुझे कुछ वक्त दें, मैं इनके हस्बैंड से बात कर रहा था। आप इनके कौन? मैं भाई हूँ इनका। सर क्यों बार बार फोन कर रहे हो? क्या मुसीबत है? अगर मैं बार बार कॉल कर रहा हूं तो कोई जरूरी बात होगी ना? अच्छा जल्दी बोलो, मैं बिजी हूं। जानता हूं मैं किस तरह की रंगरलियों में बिजी हैं। तमीज से बात करो मुझसे। तमीज से बात करूं? आपकी हरकतों की वजह से मेरी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और आप चाहते मैं तमीज से बात करूं? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या बकवास है, बंद करो फोन। और हाँ एक बात और, अब मुझे आपका मशवरा भी नहीं चाहिए। जाने का क्या मतलब निकालते रहे, मैं खुद उनसे बहुत आजिज आ चुकी हूं। पिछले 2-4 दिन में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो हाँ, एक बार जब मैं फहद के स्कूल से आ रही थी तब रास्ते में मिले थे मुझे, तब भी बहुत बदतमीजी की थी उन्होंने मेरे साथ। एक सुनारा
के साथ है? नहीं दूसरी रात भी गुजरने को आ गई। सुनहरा के जिंदा या मुर्दा किसी बात की खबर नहीं मिली। आदिल भाई शाम से गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। और अगर आप ही उन्हें मिल भी गई ना तो कभी घर नहीं लाएं, वही मार के दफना देंगे। दफनाने की सही कोई तो खबर आए। करने की नहीं है, अंदर चल के बात करो। हानिया बहन को ले जाओ ऊपर। कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले से दफना दे कहीं पे। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। आप क्या कह रही हैं? दरअसल पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि ये सब कुछ हमें इमरजेंसी में करना पड़ा, वरना उनकी जान को खतरा हो रहा था। लेकिन ये सब हो जाता है। दरअसल आप लोगों ने बहुत वक्त ज़ाया किया। अगर दिन में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो आप लोगों को उन्हें दिन में ही यहाँ ले आना चाहिए था। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उनकी ज़िंदगी बच गई है। देखिए मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसी कंडीशन में पेशेंट की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम होती है। अब आप लोगों ने उसको हिम्मत देनी है, हौसला देना है। आप रूम में कब शिफ्ट करेंगे उन्हें? बस कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट करते हैं। फिलहाल मैं कुछ दवाएं लिखकर दे रही हूँ, ये बाकायदगी से उन्हें खिलाएं
उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी खुराक का ख्याल रखें। दो तीन दिन में इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी। बताती क्यों नहीं हो, कहां गई थी, किसके पास गई थी और क्यों गई थी? या अपने नसीबों पर बैठकर यूं ही तुम्हें रोना है? आपी, कुछ तो बोले, कहां गई थी, कब से पूछ रहे हैं हम? कहीं फारिस भाई वापस तो नहीं आ गए? फारिस सादिया का भाई? वो मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बताए ना, तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी बेगुनाही को नहीं धो सकते। सच सच बताओ, हमारी इज्जत बची या सब खत्म कराई? जो होना था वो तो हो चुका, अब इतना गुस्सा करने का क्या फायदा? तो और क्या करूं, जहर खा लूं या फिर गड़ा खोद के उसे जिंदा दफना दूं? अगर दफनाना मसले का हल है तो ये भी करके देख लीजिए, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? निदम, मेरा सर फट रहा है इस वक्त, प्लीज जाओ यहां से। वो तो अपनी मन मर्जियां करके इस घर में वापस आ गई, लेकिन आप ही अपनी तबीयत खराब करके मेरा घर उजाड़ने पर तुले हुए हैं। आदिर, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी बात माने, तो जिनके साथ इस घर से भागी थी ना, उन्हीं के साथ इनको रुखसत कर दीजिए, आपकी इज्जत भी बच जाएगी। से छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। तोबा है तोबा। अब देखना है बच्चियां बड़े होकर कैसी निकलती हैं। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। या जिस दिन तुम्हारी माँ ने जहर खाया था तुम्हें भी दे दिया होता तो आज मैं ये दिन ना देखती। समीर, समीर क्यों कॉल कर रहे हैं इस वक्त? फोन मत उठाना, मत उठाना, बंद बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, लेकिन बंद कर दो फोन को, बंद फोन, फोन उठाओ, स्पीकर पे बात, उठाओ फोन। कौन बात कर रहा है? नंबर नहीं पहचाना, समीर बात कर रहा हूँ। खैरियत, क्यों फोन किया आपने? बस आप लोगों की खैरियत पूछनी थी। सब ठीक तो है ना? मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? अपने भाई से कहना पूरे शहर में गाड़ियां दौड़ाता फिरता है, जरा नाके लगा के अपनी बहन को काबू में करे।
नहीं भाई, भाई मैंने कुछ नहीं, भाई मैंने मैंने कुछ नहीं किया भाई, खुदा के लिए भाई आप भी छोड़े, भाई छोड़ो आप भी को, छोड़ो आदिल, मैं कह रही हूँ छोड़ो इसे, आदिल मैं कह रही हूँ छोड़ो, तुम जाओ, क्या कर रहे हो आदिल, जाओ तुम यहाँ से, कल का सूरज ये नहीं देखेगी, मैं खुद अपने हाथों से जहर देके इसको मारूंगी, निदा इसको ले जाओ यहाँ से, आदिल प्लीज चलिए यहाँ से आप, हानिया गंदम में रखने वाली गोलियां मंगवाई थी वो कहाँ है, नानो नानो मैंने कुछ नहीं किया, नानो मैं बात करें अब जानती ना मैं भी कुछ नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज अम्मी मैं कहा अब आप ऐसे नहीं कर सकती ना, अब ऐसे अब मेरे नानो अब मुझे जहर तो नहीं दे सकती, अब नानो नानू आप इतनी जालिम तो नहीं हो सकती ना नानू, बाइका कहाँ है? सर उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल? इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं? बाबा? आ जा। बाबा आप कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गया था बेटा, बाबा आ गए, कहीं नहीं गए। किस हॉस्पिटल में गई है? सर ये तो बताया नहीं, समीर साहब लेकर गए हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि जोहा को यहाँ मत लिटाया करो, फिर क्यों लिटाया? I'm sorry sir, वो खेलते खेलते ही सो गई थी। खाना खाया इसने? जी वो मैंने खिला दिया है। ठीक है, इसे इसके कमरे में ले जाओ, जाओ बेटा। नहीं ये समीर फोन क्यों नहीं उठा रहा, बड़ा खैर जिम्मेदार इंसान है ये। सलसल रोई जा रही है, रोने से क्या सब ठीक हो जाएगा? छह साल बाद एक खुशी मिलने जा रही थी, अन्ना ने वो भी ले ली, उस छोटे बच्चे का क्या गुस्सा होता, बस जो अल्लाह की मर्जी। नहीं अल्लाह की मर्जी कह के मुझे झूठी तसल्लियां मत दो, ये सारा लेक का कसूर है, उसकी वजह से हुआ है सब कुछ, he was never happy, उसको शुरू से ये बच्चा चाहिए ही नहीं था, उसको कोई खुशी नहीं थी। स-
सूख गया। मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात? डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि आपको खाने के लिए कुछ दो। किसके लिए? किसके लिए खाऊं? अल्लाह का शुक्र अदा करें, जुआ है आपकी जिंदगी में। वरना दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मैं लाई को कभी माफ नहीं करूंगी। वो जिम्मेदार है सबका, कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब देखना पूरी तरह पछताएंगे वो। मैं उनको एहसास दिलाऊंगा कि आप लावारिस नहीं है। और जनेरा उसे तो देख लूंगा मैं। अम्मी को बता दिया तुमने? नहीं, वरना वो परेशानी में ट्रेवल करती। जो होना था वो हो चुका है। आप ठीक हो जाएं, घर जाएंगे आप खुद कॉल कर लेना। चलो मेरी गुड़िया थोड़ा सा खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मा के पास जाना है। हाँ ना बेटा, तो मम्मा के पास लेके जाऊंगा, लेकिन अगर आप ये नहीं खाया तो मैं भूखे पेट स्कूल छोड़ दूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार ऐसे। महवेश, महवेश प्लीज वहा चुप। महवेश इधर आओ भाई, इसे नाश्ता करवाओ भाई, कुछ खा ही नहीं रही। फोन देखो किसका बजा है। बेटा थोड़ा सा तो खा लो, फिर रोना। जी सर। जी जोहा बीबी उठ गई है सर, उन्हें ही नाश्ता करवा रहे हैं। कौन है? समीर सर। लाओ दो। हेलो भाई, कहाँ हो तुम? कल से फोन कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हॉस्पिटल? वो नाम तो बताओ हॉस्पिटल का। पहुंचता हूँ, इसको नाश्ता करवाओ। नाश्ता पूरा करना है आपने, मैं आ रहा हूं ऊपर से।
चलिए सहमत सिद्दीकी, तुमने मेरी बेटी को नहक जहर दिया था। देखो कुदरत का इंतकाम, आज मैं तुम्हारी बेटी को जहर दे रही हूँ। मेरी बेटी पे गुनाह थी, लेकिन तुम्हारी बेटी ये क्या है नानी? चुप करके पी लो। नानी नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है नानी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी भी बेकसूर थी, लेकिन उसने पिया था। पियो, मेरे सामने पी लो। नहीं नानी, नानी मेरा यकीन कर, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पी लो मैं कहती। नानी नहीं, नानी प्लीज सुनना, करे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारे प्लीज। नहीं मैं कह रही हूँ पी लो। नानी जो नहरा तुम्हें पीना पड़ेगा। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं, प्लीज, नहीं, प्लीज, नहीं, प्लीज, नहीं, प्लीज, नहीं।